हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक फ्रीज डबल डोर का एलजी का। बहुत ही प्यारा मॉडल है, उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसका भी वो आपको देते हैं, कैसा है सारी बात करते हैं। देखिए ये ठीक है, एलजी का है, मैरून कलर में, 10 ईयर वारंटी है। इन्वर्टर कंप्रेसर है तो इन्वर्टर पर भी आपका चल जाएगा, और 2 स्टार में है। 1 साल में बिजली जो खाएगा वो 267 यूनिट पर ईयर इसका बिजली का खर्च है। मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ, GL-N292BSCY 2024 का अभी का मॉडल है। 242 लीटर में है ये, फ्रॉस्ट फ्री है, यानी कि डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा, खुद डिफ्रॉस्ट होता है। बढ़िया मॉडल है, और नीचे दिया हुआ आपको वर्क करता है 100 वोल्ट से आपका 310 वोल्ट, अगर लाइट फ्लक्चुएशन होता है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। लिखा हुआ प्रोडक्शन अगेन फ्लक्चुएशन, ठीक है ना। तो एलजी का मॉडल है, अंदर से भी आपको शो कराता हूँ, पहले बाहर से एक बार देख लीजिए। पैटर्न भी फूल का बढ़िया दिया हुआ है, छूने से लगता है कि क्वालिटी जो है प्रीमियम है। अगर आप दूसरे प्रोडक्ट हैं जो सस्ते आते हैं, उनको आप ऐसे टच करोगे आपको पता चल जाएगा टच में ही कि कैसा फ़ील हो रहा है, तो अच्छा फील होता है इसका। जो बना हुआ है पैटर्न, जो फूल बना हुआ है, वो भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीच में स्पेस दिया हुआ है, इसमें हैंडल नहीं है, क्योंकि अक्सर डबल डोर फ्रीजों में हैंडल नहीं होते हैं। यहाँ से ऑप्शन होता है, इस तरफ करेंगे ऐसे करके तो ये खुल जाएगा, और यहाँ ऑप्शन ये अंदर यहाँ पर ग्रिप होती है जिससे इसको खोल सकते हैं, ठीक है। और ओपन करते हैं, पहले फ्रीज़र को देखते हैं कैसा है। यह आपका फ्रीज़र, यहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हैं, जितना भी आपको चाहिए, इस तरफ करना है इस तरफ, एक तरफ कम होता है एक तरफ ज़्यादा, ठीक है। मिनिमम करना है तो 1 पे चला लीजिए, नॉर्मल रखना है 3 पे, और हाई करना है तो इधर 4 पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक ट्रे, ये जाली दी हुई है सामान वगैरह रखने के लिए, ये आपकी आइस क्यूब ट्रे है, यहीं इसको इस तरीके से घुमा के पलट देंगे तो आइस क्यूब यहाँ गिरेंगे, और इसको बाहर निकाल के आप आइस क्यूब बना सकते हैं। यहाँ पे भी फीचर्स दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मॉडल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री है, दूसरा स्टार रेटिंग वगैरह 2 है, ये डोर्स 2 हैं, रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ 220 उस पर चलता है ये, ठीक है। करंट 1.3 एम्पियर है, जो सारी चीज़ें फ़ीचर्स दिए हुए हैं बताया हुआ है। सीरियल नंबर है 406, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। और इस तरफ इसमें 2 रैक दी हुई हैं, जो बोतल या कोई भी सामान छोटा है यहाँ रखने के लिए। यहाँ जो भी सामान रखते हैं वो आपका माइनस टेम्परेचर का होता है, जो भी सामान जिनमें रिक्वायरमेंट होती है कि माइनस टेम्परेचर चाहिए उनके लिए। नीचे का ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है आपका कंट्रोल पैनल, यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, जितना हाई चाहिए इस तरफ घुमाएंगे, मीडियम चाहिए तो 4 पे रखेंगे या 3 पे, और कम चाहिए तो आपको 1 नंबर पे, ठीक है ना। जितना आप कम पे चलाएंगे बिजली भी उतना कम खाएगा। शीशे की यहाँ पे रैक दी हुई है, ठीक है, 3 रैक हैं इसमें। जस्ट इसके नीचे वेजिटेबल ट्रे भी काफ़ी बड़ी है, यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लाइट दी हुई है बिल्कुल टॉप में, सामने होती है तो कई बार क्या होता है कि यहाँ सामान रखा उसके अंदर नहीं, यहाँ लाइट होती है तो पूरे में फ्लो मारती है लाइट, बढ़िया है। वाइट लाइट है, वो येलो वाली नहीं है, इसमें एलईडी लाइट है। अब डोर की बात करते हैं, डोर में सबसे ऊपर 2 रैक दी हुई हैं, फिर जस्ट उसके नीचे एक दी है लंबी बोटल्स के लिए, यहाँ पे रख सकते हैं आप नीचे वाले में, और जस्ट इसके नीचे सबसे नीचे जो ऑप्शन है उसमें भी आप कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये हो गया आपका बैक साइड में, इसमें जाली नहीं है, और स्टेबलाइजर के बिना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, इस मॉडल में एलजी का मॉडल है तो बढ़िया है। और इसमें वारंटी आपको 1 ईयर कंप्लीट, 10 ईयर कंप्रेशर की वारंटी है। फ्रीज में वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप देख लीजिए।